उम्र वेख लो मां जी, कुछ तो शर्म कर लो यार। चोरी का नाम लगा देंगे आप तो एक घंटे से मुसलसल मुझे देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है मीडिया। अभी तक आप बाइक पे ही बैठे हुए, सिर्फ धमकियां लगाते हैं, सिर्फ धमकियां इनको देते हैं। आप सिर्फ गालियां दे सकते हैं माओ बहनों के, आपके भी घर में माए बहने हैं। अगर इस तरह काम करेंगे तो आप पर उल्टा FIR हो जाएगी मेरे भाई, आप हरेसमेंट करेंगे। आपके स्टाफ ने सिर्फ 25 औरतों को पैसे दिए हैं, अभी लाइनें लगी हैं। कौन से 200 औरतें, ये दो घंटे बाद आपने दफ्तर बंद। 2000 रुपए रिश्वत दे रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ जी, और किसान देंदे नहीं पाए। टीका नाम लूंगा, वो भाई कह रहा था जो सामने खड़ा हुआ है। कौन सा भाई? वो जो मोटरसाइकिल के ऊपर है। ये क्या है? हाँ वो वाला भाई। ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है। हाँ ये औरतों को अंदर लेकर जा रहा था, उनको पैसे दे रहा था, हम लोगों को पैसे नहीं था दे रहा। अच्छा। हाँ कह रहे था आप लोग अंदर जाएंगे तो आपके ऊपर चोरी का नाम लगा देंगे। किसने कहा आपको? वो भाई जो मोटरसाइकिल, मैं आपको बता रही ना वो भाई। हाँ जी भाई जान, आप क्या करते हैं यहाँ पे? बैंकिंग से कैश देने के लिए आता हूँ। और अंदर जाएगी तो मैं चोरी का नाम लगाऊंगा। आपने धक्का दिया था, मैंने कहा अगर कैश में आप स्टाफ। हाँ जी, तो आप यहाँ पे बाइक पे क्या कर रही हैं? मैं कैश देने के लिए आया था, कैश दे लिया जा रहा। आप तो एक घंटे से मुसलसल मुझे देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है मीडिया। अभी तक आप बाइक पे ही बैठे हुए, कैसे यानी कि अपना काम कर रहे हैं? मैं साइड में ऐप के साथ देख रहा था कि ऐप से है ना। आपने धमकियाँ क्यों लगाई हैं? क्यों आपको पता है आप पर FIR हो सकती है? क्यों धमकी लगानी मैंने? हाँ भाई लगाई थी उस दिन आपने। क्या बोला था? इन्होंने कहा था अगर अंदर आएंगे तो आपके ऊपर ना सारे कैश का अगर ये अंदर नहीं जाएंगी इनको पैसे कैसे? अंदर कमरे के अंदर है ना, धक्का दे के ना अंदर हो रही थी सारी, अंदर धक्का होके दे रही थी जहाँ पे कैश पड़ा हुआ था। जहाँ पर कैश पड़ा हुआ था वहाँ जा रही थी। हाँ जी। नहीं नहीं, आपको पैसे मिल गए? नहीं नहीं भाई, आप गए हैं अभी नहीं मिले हमको? आपको पैसे क्यों नहीं मिले? ये तो इनको तो अभी तक पैसे वहाँ से लेना है। लाइन में जो खड़ी हैं उधर से जाकर पूछें अगर किसी बीबी को है ना। सिर्फ धमकियां लगाते हैं, सिर्फ धमकियां इनको देते हैं। आप सिर्फ गालियां दे सकते हैं माओ बहनों के, आपके भी घर में माए बहने हैं, घर में सिस्टर हैं, माँ हैं आपकी, ये भी आपकी माँ बहन जैसी है। धूप में कोई अगर आपको 2000 देगा तो उनको आप पैसे देंगे? उनको कौन जो रिश्वत देगा आपको 2000 बकायदा देगा? कौन कह रहा है? नाम से क्यों बुलाया जाता? मैं कह रहा हूँ को नाम से क्यों बुलाया जाता कि फलानी बीबी अंदर आ जाए, फलानी बीबी अंदर आ जाए। ये रिश्तेदार हैं इनके, ये जानते हैं इनके नाम जानते हैं। कौन कह रहा ये बताएं जी? हाँ उस दिन भैया आपने नाम ले लेकर औरतों को अंदर नहीं था बुलाया था भाई। लाइन में लगी हैं बीबियां लगी हैं, उधर जाएं फर्स्ट में जाएं, किसी से पूछें जो बाहर आ रही हैं, किसी से पूछें कोई है ना पैसा ले रहा है तो बताएं। मैं आपको रूल्स बताता हूँ, ये खवातीन है ना, तो आप इनको धमकी लगा सकते हैं, ना आप इनको टच कर सकते हैं। अगर इस तरह काम करेंगे तो आप पर उल्टा FIR हो जाएगी मेरे भाई, आप हरेसमेंट करेंगे। किसने हरेसमेंट की है? ठीक है ना, तो आप उनको कह रहे हैं कि अंदर ना जाएं, अंदर नहीं जाएंगे तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे? यहाँ नहीं जा रही तो 8-8 दिन से जलील हो। जिस कमरे में है ना कैश दिया जा रहा है ना, उस कमरे में है ना जाके है ना तोड़ फोड़ करके है ना अंदर जाने की कोशिश। तोड़ फोड़ किसने कर ली है जी? आपने कोई तोड़ फोड़? आपने तोड़ फोड़ कर सकती हैं? ये सिर्फ अपना हक लेने के लिए खड़ी हैं, कहते तोड़ फोड़। वहाँ पूछिए उस बंदे का है ना जो सोफे है ना, सोफा तोड़ा गया। अच्छा, उस बंदे ने है ना लामा दिया कि बीबियों ने है ना मेरा सोफा तोड़ दिया। ये रोजे रखे हुए औरतों ने, तोड़ फोड़ कर रही है। दिखाएं जरा लाइन, दिखाएं जरा मेरी भाई, ये दिखाएं लाइन, ये तोड़ फोड़ कर रही है। तो ये अभी खड़े हैं ना अब, इसलिए है ना ये धूप में जलील हो। तो यही बात कह रहा हूँ ना, वो बीबी है ना एक कमरे में, जिस कमरे में कैश पड़ा हुआ है। चले आप एक मिनट, एक औरत झूठ बोलेगी, दो बोलने की, यहाँ पे तो सारी झूठ तो नहीं ना बोल सकती। सारे रोजे की हालत में अंदर खाली मैं नहीं था। आप सच्चे बोल, आप सच्चे हैं, आपका स्टाफ सच्चा है, ये सारी झूठी हैं। अंदर अकेला मैं नहीं था, वहाँ से जो बेनजीर के दफ्तर से जो आया हुआ लड़का है वो भी वहाँ पे मौजूद है। नाजरीन ये हालात है जी, ये मेरी माएँ बहनें कह रही हैं हमें बकायदा धमकियाँ दिए जाती हैं कि अंदर आएंगा तो हम आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे। बंदा पूछे, ये अपना हक लेने के लिए आए, इनको तकरीबन एक महीने से अपना हक नहीं मिला, जो इनका वजीफा लगा हुआ है 8000, 10000, 12000
वो इनको नहीं मिल रहा और एक महीने से ये जलील हो रही है लाइनों में। रोज आते हैं, मैं कैंसर की मरीज हूँ, रोज आती हूँ, ये पैसे धक्के खा के चली जाती हूँ, पैसे नहीं देते। ये लिहाजा यही करे की जैस कैश कर दे, हमारे लिए यही आसानी है। जरदारी साहब देख रहे हैं जो सदर है, इधर हो जाए मेरी बहन। सर मेरी रिक्वेस्ट है ये कि एटीएम खुलवा दें। आपके एटीएम में पैसे आ जाएं? जी हमारे जितना भी बेनजीर इनकम स्पोर्ट पे एटीएम है, यहाँ पे एचबीएल एटीएम शाहदरा मोड़ पे, वहाँ पे हम पैसे लेने जाते थे, वो बंद कर दिया उन्होंने साल पहले का। तो रिक्वेस्ट है उम्र वेख लो माँ जी, कुछ तो शर्म कर लो यार। पैसे देते ही नहीं है, रोज क्या देते हैं, उम्र का लिहाज कर लो यार। ये रो किसको नहीं मिल रहे हैं जो लाइन में लगी हैं? माँ जी सुबह कितने बजे थे? 5 बजे रोजा रख के आए, रोजा रख के 5 बजे रोजा रख के आए थे, ये तक ऐसी वारी नहीं आई लाइन से। भाई जान सबको मिल रहे हैं पैसे, लाइन में लगे हुए हैं, सबको पैसे मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं? रोज आ रही है, रोज बीबी है ना, 250 बीबी रोज लेके जा रही है पैसे, ऐसा कैसे है? अभी तक 250 बीबी अभी तक सिर्फ 25 औरतों को चेक किया गया है और 25 औरतों को जो है ना पैसे दिए गए हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे रह गए हैं, फिर इन्होंने ऑफिस बंद कर देना। कौन सी 200-250? सबको मिल रहे हैं पैसे, किसको नहीं मिल रहे? 200-250 चेक कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दो, यहाँ पर ही आप फंस गए भाई जान। अभी सिर्फ 20-25 औरतों को चेक किया है आपके डिपार्टमेंट ने, आपके स्टाफ ने सिर्फ 25 औरतों को पैसे दिए हैं, अभी लाइनें लगी हैं। कौन से 200 औरतें? ये 2 घंटे बाद आपने दफ्तर बंद कर दिया लेकिन ये जलील हो रही है और ये इसी तरह जलील और ख्वार होना है। आए दिन लाग ला दें, आए दिन लाग ला दें, इन्होंने कोई पूछन दसन वाला ही कोनी है, जो ही आई ओद लाग लगा पिछले रोज लाग ला दें। माई वडेरी बुजुर्ग तुरया नहीं चाहता है तो लाग ला देंगे ने। मरियम नवाज साहिबा देखें, ये आपके लिए बना रहा हूँ, आप इस टाइम जिम्मेदार हैं, आप एक जिम्मेदार खातून हैं, आप पंजाब की वजीरे आला हैं, आप सुने जरा इनकी बातें। बिल्कुल ना सानू आटा मिले, ना सानू कुछ ना लेना ना देना, रिश्वत कितनी मांग रहे? 2000 रुपया मांगते पे, 2000 रुपए रिश्वत, रिश्वत दे रहे हैं उनको, पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ जी, और किसान देंगे नहीं पे, सानू अंदर मार के बिठा के बाहर काट दिता है। औरतें बैठी? हाँ जी, पहले पिछले पीर मंगल को औरतें बैठी थी, वो ले रही थी, तब सुबह के आके 2 बजे के बैठे हुए। मेरी बहन दूर से पीछे कर ली, ये दिखाएं जरा, उधर दिखाएं, ये देखे एनू तो घर छाटा दे, बच्चों की जरूरत है भाई, क्या करें, घर देखभाल करना से कोई छोटी से छोटा बच्चा घर छोड़ के आई, मैं 1.5 साल का भाई बच्चा है वो, 1.5 साल का बच्चा। अल्लाह ना करे, जितनी भीड़ है, जितना रश है, अल्लाह ना करे ऐसे पहले हुआ है, इसी तरह बच्चे जो है ना मर जाते हैं और भीड़ के पाँव के नीचे आ जाते हैं, रश में धक्के लगते हैं। बकायदा मरियम नवाज साहिबा ये वीडियो इसलिए बना के दिखा रहा हूँ आपको, आप एक जिम्मेदार खातून हैं और आप यहाँ की वजीरे आला बन चुकी हैं, आप भी एक खातून हैं और ये भी खातून है, ये भी मेरी माए बहने हैं जो कि धूप में अपने बच्चे पकड़ के छोटे छोटे जलील और ख्वार हो रही हैं और यहाँ का जो स्टाफ है वो इनको धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। क्या ये माए बहने नहीं है? ये इंसान नहीं है? आप सिर्फ खातून हैं, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इनके लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करें कि एटीएम के जरिए पैसे लेकर जाएं, आईडी कार्ड लगाएं और ख़ुद एटीएम से पैसे निकालें, फिर जाके जो है ना इनका ये मसला हल होगा, नहीं तो ये वैसे का वैसे रहेगा। जो स्टाफ है वो रिश्वतखोरी चलती रहेगी, 2000 रुपये हर खातून से काटे जाएंगे और बकायदा उनको पैसे देंगे जो 2000 रुपये रिश्वत देगी, अगर नहीं देंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ये प्रोग्राम दिखाना ज़रूरी था और नाज़रीन आप इसको इतना शेयर करें ताकि ये मरियम नवाज़ तक पहुँच सके, आपकी भी जिम्मेदारी है इन खातून को इनका हक दिलाना। अल्लाह हाफिज़।